हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक ऐसा सवाल देखेंगे जिसको बिना फार्मूले के शायद ही कभी लगाया हो आपने। सवाल ये कह रहा है, किसी धन पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 120 है तथा चक्रवृद्धि ब्याज 129 रुपया है, तब ब्याज की वार्षिक दर क्या है? ये सवाल एक तरीके से और कहा जाता है कि यदि 2 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर अगर 9 रुपया है तो ब्याज की दर क्या है। तो हम लोग इसको सिंपली ऐसे सोचते हैं कि ये 120 रुपया जो है ना, ये जो 120 रुपया साधारण ब्याज है, ये 2 साल में मिला है, यानी एक साल में उसको 60 रुपया मिला होगा और अगले साल में भी 60 रुपया मिला होगा। और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है ना कि ये जो 60 रुपया पहले साल में मिला, अगले साल इसी 60 रुपये पे फिर से ब्याज मिलता है, जिसके कारण कंपाउंड इंटरेस्ट साधारण ब्याज से ज्यादा हो जाता है। यानी अगर हम लोग इधर साधारण ब्याज के बारे में सोचें, साधारण ब्याज के बारे में सोचें, तो एक बार मिला होगा 60 रुपया, दूसरी बार मिला होगा 60 रुपया, और दोनों मिला करके ये मिल गया 120 रुपया साधारण ब्याज। अगर हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में सोचें, चक्रवृद्धि ब्याज, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी वही मिलेगा, 60 रुपया पहली साल और 60 ही रुपया दूसरी साल मिलेगा, प्लस 9 रुपये, इसको 129 रुपये मिल रहा है ना, तो 9 रुपये यहाँ पे ये ज्यादा मिल गया। ये जो 60 रुपये मिले हैं, ये सब मिले हैं मूलधन के कारण, लेकिन ये जो 9 रुपया मिला है ना, ये 9 रुपया मिला है फ्रेंड्स इस 60 रुपये ब्याज के कारण, ये 9 रुपया इस 60 रुपये के कारण मिला है। और अगर हम यही सवाल में समझ गए तो हमारा सवाल हो गया, यानी 9 रुपया अगर 60 रुपये पे मिल रहा है तो कितना परसेंट है, बस यही निकाल दे, यानी 9 जो है 60 रुपये का कितना परसेंट है, ऐसे ही निकलेगा, 0 से 0 से 0 कट गया, 2 5 10, 2 3 6 और 3 3 9 और 3 5 15, यानी जो ब्याज का जो दर है वह 15% है। सवाल एकदम इजी है, आप इसको 2 3 बार देखिए, आपको एकदम समझ में आ जाएगा, किसी फार्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये 2 साल 3 साल सब जगह के लिए अप्लीकेबल है। इस तरह की वीडियो मैंने और भी बनाई है, आप उसको भी देख सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।